हेलो गाइस, एक्टिव छात्रों के लिए 203 महत्वपूर्ण सूचना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या नोटिस है, क्या न्यूज़ है। तो देखिए, पहले यहाँ पे तो मेंशन है, जो फर्स्ट न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय के जो 20वां दीक्षांत समारोह हो रहा है उसके संबंध में नोटिस जारी किया है कि ट्यू ने। इसमें क्या मेंशन है, मेंशन किया है 203 चीज़ें इसमें मेंशन किया है कि नंबर एक तो आपका जो जो दीक्षांत समारोह 20वां दीक्षांत समारोह होने वाला है कब होगा, 26 नवंबर 2022 को प्रातः 10 बजे महामहिम श्री राज्यपाल कुलधिपति यानी कि राज्यपाल की जो है अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उक्त निर्धारित उक्त दीक्षांत समारोह में सन 2021-22 के जो यूजी यानी कि स्नातक और परास्नातक एवं पीएचडी डिग्री धारकों को उपाधि एवं पदक प्रदान किया जाएगा, लेकिन उपाधि पदक कुछ ही छात्रों को मिलेगा, जिसके लिए कंडीशन एकेडमी ने बताया कि उपाधि पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट odatacademy.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता जाके देख लीजिए, कॉन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन इन्फोटेक रिसर्च सर्च करिए, आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। उस उन्होंने आगे मेंशन किया है कि रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा जिन छात्रों का CGPA यानी अगर आपका CGPA 8 या फिर उससे अधिक है तो पंजीकरण का दिनांक 20 नवंबर 5:30 बजे तक कराकर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रतिभा कर सकते हैं, यानी जिसका CGPA केवल 8 है वही लोग इसमें प्रतिभा कर सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने मेंशन किया है तथा पदक धारक छात्रों को कोई शुल्क देय नहीं होगा, यानी जो जिनको जो है मेडल मिलना है, जिनको जो है पदक मिलना है, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज मेडल, उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। आगे इन्होंने मेंशन किया, उक्त के अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय संबंध जितने सारे समस्त निजी और राजकीय और जो है सेमी गवर्नमेंट है, जो यानी कि सेमी गवर्नमेंट जितनी सारी संस्थाएं हैं, सभी के पदक धारकों की सूची संलग्न कर, यानी इन्होंने पूरा जो है यहाँ पे लिस्ट देखी, यहाँ पे मेंशन है। और मेन चीज़ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आपका CGPA 8 है यानी 8 प्लस है, मोर देन 8 है या फिर इक्वल देन 8 है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ नाम भी रखा है छात्रों के, जैसे कि रोल नंबर इनका 8080291012 9 रोहन खुराना है। तो यहाँ पे देखिए सारी जो डिटेल्स उनके दिखे, कॉलेज का नाम और डिवीज़न, उसके अलावा यहाँ पे उनका कोड क्या है, उनके अलावा मेडल क्या है, इनको इनको मिलेगा चांसलर यानी कि स्वर्ण पदक मेडल, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पूरी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, अगर आप चाहें तो लिस्ट पूरा देख सकते हैं, लिस्ट में नाम भी है कौन कौन से छात्रों को मिलेगा और कौन से छात्र पास आउट, किस ईयर के पास आउट है, उनकी ब्रांच क्या है, हिंदी नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, रोल नंबर क्या है। 7 पेज की टोटली PDF है, 7 पेज की टोटल लिस्ट है, आप लोग जाके टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च, तो आप लोग इन्फोटेक एंड रिसर्च सर्च करें टेलीग्राम पे और उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। तो इन्फोटेक एंड रिसर्च सब्सक्राइब करके वहाँ से ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं, आपका नाम है कि नहीं है, और है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने बता रखी है, यानी 20 नवंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और ये कब होगा, और ये 26 नवंबर को होगा, ठीक है, दोनों डेट याद रखनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने YouTube पे वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं एकेटिव कॉन्वोकेशन इन्फोटेक एनालिसिस, मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक भी वहाँ को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हो गई थी फर्स्ट न्यूज़। उसके बाद जो दूसरी नोटिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिटरेरी और मैनेजमेंट जो फेस्टिवल 2022-23 का होने वाला है, आयोजन होने वाला है, उसके संबंध में नोटिस किया है, यानी 2022-23 का टेक्निकल और लिटरेरी जो मैनेजमेंट फेस्टिवल होने वाला है उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया। 22 पेज का PDF पहले यहाँ पे देख सकते हैं। अवगत कराना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रादेशिक विश्वविद्यालय लखनऊ संबंधित संस्थान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल लिटरेरी मैनेजमेंट जो फेस्टिवल 2022-23 का आयोजन जोनल स्तर से दिनांक कब से होगा, 9-10 दिसंबर 2022 9-10 दिसंबर 2022 को जोनल लेवल होगा, और तथा स्टेट लेवल कब होगा, 10-11 फरवरी 2023 को होगा, ठीक है, होने जा रहा है। और इन्होंने मेंशन किया कि उक्त की फेस्टिवल की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सामान्य नियम एवं विभिन्न प्रोफार्मा संलग्न प्रशिक्षण, यानी कि सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं कि, और इस संबंध में सूची है कि स्टेट लेवल और सभी जोनल लेवल केंद्र के अग्रिम हेतु निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य रूप से दिनांक 17 नवंबर 2022 तक अधोहस्ताक्षरी की ईमेल आईडी यहाँ पे registrar@akitu.ac.in पर तथा अधिष्ठाता तथा छात्र कल्याण की ईमेल आईडी dean.sw@akitu.ac.in पर प्रेषित, यानी इनकी इसमें डिटेल्स भेज देना 17 नवंबर 2022 तक। आगे इन्होंने मेंशन है कि यहाँ पे जो पूरा PDF वगैरह भेज रखी है, यहाँ पे इनका पूरा प्रोफार्मा है स्टेट लेवल का, यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ स्टेट लेवल 10 फरवरी 2023 को होगा, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज एकेडमी लखनऊ में होगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जोनल लेवल का जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, यहाँ पे इन्होंने जोन डिवाइड किए हैं, जैसे कि अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट अंडर जोन, यहाँ पे देखिए मेंशन है जो आगरा जोन में आते हैं उनका
जो आगरा पे आगरा जोन में आते हैं उनका आगरा अलीगढ़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट अंडर है, किसके अंडर में रहेंगे, आगरा अलीगढ़ फिरोज़ाबाद हाथरस मैनपुरी। कहने का मतलब जितने सारे आगरा जोन में आते हैं उन सभी का इस डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, आगरा में अलीगढ़ में फिरोज़ाबाद हाथरस मैनपुरी हाथरस ठीक मथुरा ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन है जो जोनल लेवल सेंटर उन्होंने बनाया है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग आगरा कॉलेज ऑफ आगरा, यानी इन्होंने आगरा आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या बनाया है, जोनल लेवल का सेंटर बनाया है ठीक है आगरा जोन का। फिर बरेली जोन में कौन सा कॉलेज पड़ जाएगा, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 479, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, बरेली मुरादाबाद शाहजहाँपुर शिकोहाबाद और सीतापुर आएंगे ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जी बी नगर गाज़ियाबाद गोरखपुर गोरखपुर को बनाया है, बुद्ध इंस्टीट्यूट बुद्धा को बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं लखनऊ का जो जो यहाँ पर लखनऊ का जो होगा कानपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में होगा ठीक है, यानी मेरठ का होगा मेरठ टेक्नोलॉजी में और प्रयागराज का होगा काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी में। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सा यहाँ पे इवेंट होगा ये भी इन्होंने मेंशन रखा है, ब्रिज क्रिस्टी बिजनेस प्लान और कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिबेट वगैरह है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है। यहाँ से 10 से 12 प्लान है और आगे जब आएंगे तो यहाँ यहाँ से आपको जनरल रूल एंड रेगुलेशन बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर अपने PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम इन्फोटेक एंड रिसर्च, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम में सर्च करें इन्फोटेक एंड रिसर्च, वहाँ से आपको चैनल आ जाएगा, चैनल पे उसको आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और ज़रूर पार्टिसिपेट करिए इस गेम की, इस जो सर्टिफिकेट होती है उसके कहीं कहीं ना कहीं आपके जॉब्स वगैरह में या फिर आपके प्लेसमेंट में आपके उससे बेनिफिट होते हैं कुछ परसेंट का, 1% 2% कहीं कहीं 5% भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, उससे बहुत आपका आगे चल के फ़ायदा होने वाला ठीक है। यहाँ पे डेट एक बार मैं बताता हूँ, फेस्टिवल जो लेवल फेस्टिवल जो शेड्यूल है जोनल लेवल का 9-10 दिसंबर 2022 का है, उसका फेस्टिवल शेड्यूल जो फेस्टिवल फेस्टिवल शेड्यूल जो स्टेट लेवल का है वो 11 फरवरी 2023 को होगा ठीक है। बाकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो akitu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा।